फैमिली आप सभी की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की प्रोसेस जोरों शोरों से चल रही होगी। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने पूरे फेज टू में आपने कैसे स्टेप वाइज क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स करने हैं उसके बारे में बनाई है, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट टू द प्रॉपर फिनिश के आपने प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट कर दी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चेकआउट कर लो, क्योंकि ये दोनों वीडियोज ऑफकोर्स इंटरलिंक्ड होने वाली है। आपको वही नहीं पता होगा कि आपने प्रेफरेंस फिलिंग के स्टेप तक पहुंचना कैसे है, तो आपको इस वीडियो को देखने का फायदा क्या ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ ना, जो अभी आप लोग कर रहे हो और लास्ट ईयर वाले बैच ने करी थी, जिसकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उनको नीचे का कॉलेज मिला जो वो डिजर्व करते थे वो नहीं मिला है। तो प्लीज एंड तक जरूर देखना, मैं 7 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है। मुझे कल ही शुरू हुआ था एंड कल ही इतने सारे कमेंट्स आ गए थे, आई वाज लाइक मुझे ये वीडियो तो बनानी पड़ेगी, आप लोगों को डूज एंड डोंट्स बताने पड़ेंगे कि कैसे आपने प्रेफरेंसेस बनानी है ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओ। तो आ जाते हैं सबसे पहली मिस्टेक पे जो आप लोग कर रहे हो, एंड लास्ट ईयर तो बच्चों ने बहुत ज्यादा ही भर भर के की थी। सबसे पहले कोर्सेज के ना 2 टाइप होते हैं, जेनेरिक कोर्सेज एंड स्पेसिफिक कोर्सेज। जेनेरिक मतलब जैसे बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हो गए, आपको ये बात जान के वेरी शॉकिंग लगेगा कि 199 कॉम्बिनेशंस है बीए प्रोग्राम के। आप डर क्यों रहो, 199 सोचो, एक बीए प्रोग्राम कितने सारे कॉलेजेस करवाता है, ऐसी 199 कॉम्बिनेशंस कितने सारे कॉलेजेस हो जाएंगे, तो आप डर क्यों रहे हो। अगर आपके मार्क्स कम भी आए ना तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बीए प्रोग्राम के इतने सारे कॉम्बिनेशंस में आपको तो आराम से मिल ही जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना कि इनको ना ऊपर मत भर देना, ये आपके बैकअप ऑप्शंस हैं। अगर आपके मार्क्स कम आए तब आपने इनको प्रेफरेंस फिलिंग में नीचे रखना है, ठीक है। ऊपर फिर भी नहीं रखना है आपने, ऊपर आपने रखने हैं स्पेसिफिक कोर्सेज, ठीक है। स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं ऑनर्स के कोर्सेज जिसमें आपको ऑनर्स कराया जाता है, जैसे पॉल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, ऐसे समथिंग, वो आपने ऊपर रखने, वो आपके डोमेन से इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। उनको ही रखना ऊपर, कहीं ये मत सोचना आपके मार्क्स कम है तो मैं चलो बीए प्रोग्राम को ऊपर रख देता हूँ क्योंकि ऐसा कहा गया था कि उसकी कट ऑफ कम आती है, ऐसे मत करना, ठीक है। स्पेसिफिक कोर्सेज को ही ऊपर रखना, ये थी आपकी फर्स्ट मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, और मैं बहुत पहले से ये चीज मना करते आ रही हूँ, इज लाइक मान लो आपके 450 मार्क्स आए हैं, ठीक है, यू आर थिंकिंग कि हमें साउथ कैंपस मिल जाएगा या ऑफ कैंपस मिल जाएगा, नॉर्थ तो नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उसी अकॉर्डिंग कर रहे हो कि यार एटलीस्ट मुझे साउथ और ऑफ में मिल जाए, तो आप ऊपर साउथ रख दे रहे हो, नीचे ऑफ रख दे रहे हो, नॉर्थ रख ही नहीं रहे हो। अब अपग्रेड दबाओगे आप सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कैसे अपग्रेड होएगा, नॉर्थ कैंपस आपने ऊपर रखा ही नहीं है, साथ साथ आपको साउथ मिल सकता है, आपका लक भी आपका साथ नहीं देगा अगर आपने ऊपर नॉर्थ कैंपस नहीं रखा है, ठीक है। आपने ऐसा समझना कि ओहो मेरे तो फुल मार्क्स हैं 800 on 800, मेरी 100% है सारे सब्जेक्ट्स में, तो आपका डिजायर्ड प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगी, फर्स्ट रैंकर वाली प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। प्लीज ये मत करना कि मेरे मार्क्स कम आए तो मैं पहले साउथ को रख देता हूँ, ऑफ को रख देता हूँ, नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लास्ट ईयर भी बच्चों ने करी थी, तो प्लीज आप लोग तो मत ही करना। तीसरी मिस्टेक जो आप लोग बहुत ज्यादा करते हो इज दैट, ये एक मिथ भी है सॉर्ट ऑफ, कि नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, साउथ कैंपस उससे नीचे ही आएगा, लाइक साउथ कैंपस के ना नॉर्थ कैंपस के बाद ही रखने, ऐसा नहीं है। श्री वेंकटेश्वरा का नाम सुना है, ARSG का नाम सुना है, LSR का नाम सुना है, ये सब ऐसे कॉलेजेस है जो साउथ कैंपस में है, बट दे आर मच बेटर देन कुछ कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस, ठीक है। तो ये मिथ दिमाग से निकाल के करना कि आप सोच रहे हो ये चलो ये वाला कोर्स है इसके सारे पहले नॉर्थ के भर देता हूँ, फिर साउथ के भर देता हूँ, फिर ऑफ के भरूंगा। नो, आई ऑलवेज टोल्ड यू, नॉर्थ बेस्ट, साउथ बेस्ट, नॉर्थ के जो बचे हुए हैं वो, फिर साउथ के जो बचे हुए हैं वो, एंड देन ऑफ कॉलेजेस। पता है मुझे लिटरली इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी प्लीज आप हमारी प्रेफरेंस शीट बना दो, हम आपको इवन पे तक कर देंगे, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे भी थे जो आउटसाइड दिल्ली थे, उनको आइडिया ही नहीं है कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस ये सब होता क्या है, ठीक है। होता है, देखो कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे ना डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में अलग आ जाएगा, NIRF रेटिंग अलग है, नाक की ग्रेडिंग अलग है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो वंस अगेन मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन जिसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है और आपको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस शीट हाथ में आ जाएगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया है, जाके उसे डाउनलोड करो, कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी और नेम, ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग, उसको जाके फिल करो। आफ्टर दैट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें आपने जाना है प्रेफरेंस शीट वाले ऑप्शन में। जब आप वहां जाओगे तब आपको प्लस बटन पे जाना है, ठीक है। प्लस बटन में जाने के बाद ना आपको दिख जाएगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो,
अकॉर्डिंग टू योर सीयूईटी स्कोर कार्ड। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने सारे कोर्सेज कराता है, सब में तो एलिजिबल नहीं होगे, तो आपके स्कोर कार्ड से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो सेग्रीगेटेड वे में, लाइक साइंस में, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड बीए प्रोग्राम में। उसके बाद आपने चूज करना है कि आपको कौन सा कोर्स प्रेफर्ड है। ठीक है, जैसे मान लो आपको सबसे फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी है बीकॉम ऑनर्स की, आपने वो रख दिया, सेकंड प्रायोरिटी है बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, आपने ये दोनों फिल कर दिए, उसके बाद आपने जाना है और फिल्टर्स लगाने हैं कि आप कैसे टाइप में उसको कस्टमाइज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि टॉप 5 कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस, नॉर्थ के कॉलेजेस, साउथ के, ऑफ के। देखो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, आप वैसे तो कहते हो कि नॉर्थ के कॉलेजेस को ऊपर रखो, बेस्ट कॉलेजेस जो है फिर साउथ के, फिर ऐसे, बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है? तो इसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा, आप जाके उधर वो वाले फिल्टर्स चूज करके जनरेट कर लेना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। यहाँ पे ना आपको प्रूफ भी दिया जाता है। प्रूफ क्या है कि आपको लास्ट कुछ इयर्स की कट ऑफ दिखेंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एसआरसीसी को टॉप पे क्यों रखा, क्योंकि उसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी। उसके बाद हिंदू को क्यों रखा, क्योंकि उसके उससे थोड़ी नीचे थी बट हंसराज से ऊपर थी। बस ऐसे ही आपको आपकी पूरी कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस शीट मिल जाएगी। ये देखो पेड फीचर है, 199 रुपीज में, आई गेस कस्टमाइज होके आपको प्रॉपर मिल रहा है तो इट इज वर्थ है। ठीक है, स्पेशली अगर आपको ना, देखो आपका प्रेफरेंस लिस्ट एक ऐसा मोड है जहाँ पे आप चांस नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने गलती से कोई नीचे का कॉलेज ऊपर रख दिया या आपको कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सा कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है, तो दिक्कत हो जाएगी। आप इवन DU/BDE आपके रिव्यूज पढ़ सकते हो कि कितने अच्छे रिव्यूज है, कितने बच्चों की इन्होंने हेल्प करी है। सेकेंडली आपको प्रूफ मिल रहा है ना कि इस प्रेफरेंस में आपने क्यों भरोसा करना है, तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि जाओ। फोर्थ मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स, देखो अपने माइंड में ना पहले क्लियर हो जाओ आपको गर्ल्स कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। देयर आर सम गर्ल्स हु यू नो डोंट प्रेफर गर्ल्स कॉलेज एट ऑल। ठीक है, तो आप मत रखो, रखना है तो नीचे रख लो लिस्ट में कि चलो ठीक है अगर मुझे इन सभी कोविड में नहीं मिला तो चलो गर्ल्स में फिर ले लूंगी। बट कुछ गर्ल्स ऐसी भी हैं जो सिर्फ प्रेफरेंस गर्ल्स कॉलेज को देना चाहती हैं, तो आपने ना अपनी लिस्ट खुद से बनानी है। अब ये तो हमें नहीं पता होगा कि आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, गर्ल्स को प्रेफरेंस देनी है या कोविड को प्रेफरेंस देनी है या दोनों को मिक्स करके रखना है, तो प्लीज आपने अपने अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है, खुद बैठो, खुद रिसर्च करो, खुद से पहले पूछो कि मुझे कैसे टाइप का कॉलेज चाहिए, कोएड चलेगा या गर्ल्स चलेगा या मिक्स चलेगा, लाइक कुछ कुछ बेस्ट कॉलेजेस में गर्ल्स के रख लेती हूँ कोई बात नहीं, बाकी के नहीं रखूंगी, कैसा चाहिए आपको। आस्क फ्रॉम योर सेल्फ एंड देन मेक योर ओन प्रेफरेंस लिस्ट, यू हैव टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिफ्थ मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो इज दैट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपरली। ठीक है, आपका 17 तारीख को ही तो ओपन हुआ था, 17 तारीख अभी ओपन नहीं हुआ, बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर दी, मुझे कमेंट्स भी आ गए कि हमने गलत कर दी है। इतनी जल्दी क्यों है, किस बात की है, कहीं रेल छूट रही है, कुछ हो रहा है क्या? जल्दी का काम तो वैसे भी शैतान का है, इतनी जल्दी क्या थी, 17 तारीख को अभी अभी फेज 2 ओपन हुआ है, चलो 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 फिल कर देते हैं, एंड देन हमने कोई गलती कर दिया, नाउ यू आर कमेंटिंग अब हमने गलती कर दी, अब हम क्या करें। गाइज थोड़ा सा ना इतनी सिली मिस्टेक्स मत करो। डू यू रिमेम्बर योर 12th के डेज या फिर स्कूल के डेज, जिसमें यू नो यू थिंक कि हमें तो जल्दी 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 असाइनमेंट सबमिट करना है या पेपर सबमिट करना है, एंड देन जल्दीबाजी के चक्कर में यू डिड सिली मिस्टेक्स, वही हुई आप सभी की। 17 तारीख को आया है भाई, थोड़ा एक दो दिन लो, ठीक है, खुद से समझो पहले तो कि पोर्टल एक्चुअली क्या है, कैसे करना है, तो आपको ये चीज समझनी थी, ये नहीं कि सीधा जाके शुरू हो चुका है। 24 तक की डेडलाइन है यार फेज 2 की, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो। चलो अगर आपको ऐसा है ना कि ओहो यार मुझे एकदम डेडलाइन पे सबमिट नहीं करना, आई एम समबडी जो डेडलाइन से पहले सबमिट करता है, 21 को कर देना, 24 तक का वेट मत करो। बट ये क्या बात हुई, 17 को आया, 17 को ही सबमिट करना है। यूटिलाइज योर टाइम, जल्दीबाजी मत करो, ठीक है, अभी जिन्होंने नहीं करा है आई एम टेलिंग यू टेक योर टाइम। 6th मिस्टेक इज दैट कई लोगों को लगता है इतनी बार करेक्शन विंडो तो ओपन होनी ही है, तो अगर कोई गलती होगी तो हम प्रेफरेंस लिंक में फिर से सही से कर देंगे, बट नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। मान लो आपको राउंड 1 में 15th नंबर का कॉलेज मिल गया, तो आप ऊपर के जो 14 है ना उन्हीं को शफल कर सकते हो, उन्हीं को चेंज कर सकते हो, नीचे कोई अच्छा कॉलेज है तो उसको ऊपर नहीं ला सकते हो। करेक्शन विंडो ओपन होगी, हाँ होगी राउंड 1 के बाद, आपको मिलेगा मौका, आप प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे करो, बट जो कॉलेज मिला है उसके नीचे वाले गए, जो ऊपर के हैं सिर्फ उन्हीं में मिल सकता है आपको और उन्हीं में आप ऊपर नीचे शफल कर सकते हो। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि नीचे से ऊपर आने का मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। 7th एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं इज दैट, मान लो आपका स्कोर कम आया है या ठीक ठाक आया है, ठीक है, तो आपने जस्ट फॉर द सेफेस्ट साइड 3-4 कोर्सेज तो रख दिए, बट उन 3-4 कोर्सेज के टॉप 10 कॉलेजेस रखे हैं बस, तो देखो आपका स्कोर कम आया है, ठीक है,
टॉप 10 कॉलेजेस रखने से नहीं होएगा, आपको और वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज और वाइड रेंज ऑफ कॉलेजेस रखने होंगे। माना आपने 3-4 कोर्सेज रखे हैं, बट आपको उनमें कॉलेजेस भी तो ज्यादा रखने पड़ेंगे। सिर्फ टॉप 10 नहीं होता है, टॉप 10 की बहुत हाई कट ऑफ जाती है हर कोर्स में। दैट इज वाई आपको ज्यादा ज्यादा कॉलेजेस भी रखने हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये 7 मिस्टेक्स बता दी जो लास्ट ईयर तो बहुत हुई थी और इस साल भी हो रही है। मेरे कॉमेंट सेक्शन में आ रहे हैं मुझे ऐसे कॉमेंट्स एंड ऐसे डाउट, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आप एटलीस्ट ये सारी मिस्टेक्स ना करो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ऐसी मिस्टेक्स ना करें। एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो, बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट कोई भी अपडेट हो तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।